तो हाँ जी मित्रों, मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका फिर से एक नए व्लॉग के साथ द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। और ये उन फोटोज़ के साथ थोड़ा थोड़ा हम रोस्ट भी करेंगे इनको, देखेंगे कि भाई क्या क्या बना रखा है फ़ोटो। मैंने अभी तक ऑनेस्टली निकाल के नहीं देखा है कि फ़ोटोज़ कैसी हैं। और सामने प्रियंका बैठी हैं लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे दिखाना मत, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं दिखाऊँगा, है ना, आपको उनका सूट दिखाई दे रहा होगा। तो हम करते हैं रोस्ट और ये सुंदर सी एल्बम देखता हूँ कैसी लगती है आप लोगों को। तो भाई ये रहा, ये कवर पेज है, कवर पेज के बाद प्रियंका दिखाती जाएंगी एक एक चीज़ और मैं भी हटा रहा हूँ। और ये देखिए, ये सारे पोजेस भाई साहब मैंने बनाए थे। ये दोनों तो इतने अनाड़ी लग रहे थे उस दिन, ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं किसी शादी में गए हैं या नहीं गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अनाड़ी लग रहे थे। मैंने बहुत सारे पोजेस बताए कि ऐसे करो ऐसे करो, और क्योंकि हमारी कम्युनिटी में थोड़ा होता है ना, हमारी कम्युनिटी में यही होता है कि लोग हबड़ हबड़ करने लगते हैं और बिल्कुल ही फ़ोटोज़ नहीं लेने दे रहे होते हैं। और पता नहीं क्या लगता है लोगों को कि शादी होगी या नहीं होगी या वट्स एवर। तो आप यहाँ पर देखिए कि कितने सुंदर सुंदर पोजेस बना रखे हैं। यहाँ पर तो ऐसे बना रखा है पोज जैसे कि बहुत ही दिनों से मिले हुए हैं ये दोनों, है ना। और बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि दुल्हा दुल्हन पहली बार मिल रहे हों, ऐसा लग रहा है। क्यों भाई, पहले मिले हो क्या? लग रहा है जैसे कि ये लोग मिले हुए हैं पहले भी। और यहाँ नाराज़ भी हो गए, मतलब सब कुछ, ये सारी की सारी चीज़ें इसी फ़ोटो में है। ज़िंदगी का साथ, पहले मिलेंगे फिर सही लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा और उसके बाद जो है वो झगड़े हो जाएंगे। तो ये देखिए ज़रा, और ये सुंदर सी एल्बम का ये सेकेंड पेज, ये फ़ोटो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी उस दिन भी, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहे थे दूल्हे बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं बट फिट हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते रहते हैं। और इसमें हमारी प्रियंका बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि गालों पे पता नहीं क्या पोत दिया था प्रियंका, इतना सारा या कुछ ज़्यादा ही शेड लगा दी है। और ये रहा, और भाई ये ग्लोरीफाई किया जा रहा है यहाँ दूल्हे राजा को, प्रभास नाम है इनका और बहुत ही अच्छा नेचर है। दो बार मिला हूँ मैं शादी के बाद भी और मुझे काफ़ी अच्छे लगे बहुत ही। बाकी तो प्रियंका जानती होंगी भाई, दूर दूर से मिलके तो सब अच्छे लगते हैं, है ना। तो यही रोस्ट किया जा रहा है। अच्छा, मतलब ये जूते टोपी सब कुछ दिखाया जा रहा है। और ये तो कौन तैयार कर रही हैं? ये दीदी। अच्छा, इनकी दीदी तैयार कर रही हैं, चलो बढ़िया। शेरवानी भी बहुत सुंदर सब कुछ। और यहाँ देखिए पीछे बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे, अलग अलग लोग। माता जी बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। तो सास से तो ये खुश रहती होंगी, ससुर हैं ये और ये भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। बाकी ननद का पता नहीं कैसा चलता होगा भैया, ये तो यही जाने। हमें तो भाई मतलब है देखने से एल्बम। यहाँ पर भी फैमिली के सारे लोग जो जैसे कि नॉर्मल हमारी शादियों में होता है ना, आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ऐसे मेरे पापा भी यही करते हैं कि उल्टे हाथ से आशीर्वाद नहीं देते, सीधे हाथ से आशीर्वाद देने लगते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो आड़ी टेढ़ी हो जाती है कई बार। इधर आ गए हैं दूल्हे राजा, ये हमारे यहाँ बोलते हैं कि लड़का उठाने से पहले जो है ना ये इस तरह की रस्में की जाती हैं। आपने सब कुछ देखा ही होगा नीरज जी और झाजी के व्लॉग में, बहुत ही सुंदर ये फ़ोटोज़ हैं सारी की सारी। ये मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने छत पे खुली जगह है इसकी वजह से यहाँ पे ये सारा का सारा किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ़ोटोज़ बहुत अच्छी हैं सारी की सारी। और इतने अच्छे से तैयार हो के सारे के सारे लोग आ रखे हैं इधर। और ये देखिए ये दूल्हे राजा के छोटे भाई हैं। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं सबसे मिला हुआ हूँ और बहुत ही जल्दी घुल मिल मैं भी जाता हूँ लोगों से, और बहुत ही अच्छे से इनकी जान पहचान और मेरी जान पहचान हो गई थी। यहाँ पे भगवान को प्रणाम करके अपनी भाई जो यात्रा है ना आगे की, कि भाई ऐसी देना मुझे भगवान जी जो निभ जाए मेरी, ऐसा ही सोचा होगा जैसे कि नॉर्मली लड़के सोचते होंगे, है ना। सोचते बहुत हैं लेकिन फिर सपने टूट के धराशायी हो जाते हैं भाई लोग। तो ये देखिए सुंदर सुंदर फ़ोटोज़, बहुत इनकी शादी भी मुझे लगता है कि जल्दी ही हो जाने वाली है, है ना। और यहाँ पे फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स जिनको मैं नहीं जानता बट इन फ़ोटोज़ देख के तो आप स्माइल कर ही सकते हैं। घर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमारे यहाँ एक रस्म होती है माँ के पैर छू के, और एक और चीज़ होती है जो मैं बता नहीं सकता, वो करके और उसके बाद जो है वो
लड़का निकलता है और यहाँ पे इस तरीके से जो जितने भी अपशगुन होते हैं उन सबको पैरों से हटा के और अपने है ना एक शगुन की तरह से माना जाता है इसे, और ये ऐसा करके माँ की छाती से लग के और उसके बाद जो निकलते हैं कि भैया चौड़े होके अब निकल जाओ। तो यहाँ चौड़े होके बारात निकल चुकी है घर से निकल के और फिर मंदिर में गए हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ ये रस्में नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि अब दिल्ली में रह रहे हैं बहुत दिनों से तो ये सब चीज़ें भी करने लगे हैं लोग। यहाँ पे भी फ़ोटोज़, और अब आप देखोगे कि ये यहाँ पे यहाँ से आपने देखा होगा जब मैं ब्लॉग बना रहा था तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी। यहाँ से इन लड़कों को सब कुछ मैंने ही दिखाया था कि भाई लोगों थोड़ा भीड़ कम कर लो और इस तरीके से करके ये तो सारा फिर से स्टेज पे आ गए हैं प्रभास भाई के साथ। हमारी फ़ोटो है भी या नहीं पता नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा है ना, क्योंकि वही मैं कहता हूँ सारे फोटोग्राफर से कि भाई फ़ोटोज़ तो आप खींच लेते हो लेकिन मैं इसीलिए खिंचवाता नहीं बहुत सारी मैरिजेज में जाके, और लगता है इन्होंने अपना फ़ोटो शूट करा लिया था कि भाई अब तो मेरी शादी का ही नंबर है, अब तेरा तो हो गया कल्याण, अब मेरी शादी का नंबर है तो मैं करूँ शादी। ये इनके फ्रेंड हैं और मैं बहुत ही अच्छे से इनसे भी परिचित हूँ, मैं नाम भूल गया इनका लेकिन बहुत ही मनीष, अच्छा मनीष नाम है। तो बहुत ही अच्छे से सारी रात हम लोगों ने जो है वो शादी में एक साथ बिताया था, एक साथ गुजारा था। बहुत ही फास्ट फ्रेंड है, आपको इससे पता चल ही रहा होगा है ना, स्कूल फ्रेंड्स। और इनके बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे, मेरी तरह ही झड़ गए हैं इन्होंने, हालांकि बहुत ही अलग अलग चीज़ें यूज़ की हैं इसकी वजह से। और ये सारे नाते रिश्तेदार और उन सब की फ़ोटोज़ यहाँ पे, बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने ये फ़ोटो अरेंज कराई थी कि भाई लोगों ये फ़ोटो दे दो जल्दी से, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे हड़बड़ी बहुत करने लगते हैं कि जल्दी से भाई आप लोग अलग जो दूसरी रस्में होती हैं हमारे यहाँ जिसको कहते हैं कि क्या बोलते हैं प्रियंका, इसको भी नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे पता तो हर चीज़ है। यहाँ पे बाबूजी खड़े हैं और सारी फैमिलीज़ अलग अलग फैमिलीज़ फ़ोटोज़ ले रही हैं। अरे वाह, और ये आ गए हम जहाँ पे हमारी फ़ोटो भी एक कोने में तो पड़ी ही है कम से कम कि चलो ठीक है, बट मेरी फ़ोटो कहीं पे भी नहीं है। फिर भी मेरी भी है, अच्छा ये सारे के सारे, चलो ये फोटो बहुत प्यारी यहाँ रखी है। लेकिन कार्तिक केशव अनु झाजी सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पे भी तो सब बहुत ही सुंदर परिवार था, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को इस वेन्यू पे जाके। ये सारा का सारा, ये जितने भी फोटोज हैं, सबसे अच्छी फ़ोटो आप लोगों को कौन सी लगी है ज़रूर बताइएगा। सबसे प्यारी फ़ोटो जो भी आपको लगेगी, कौन से पेज पे, अब तो पेज में भूल गया पलटते पलटते भाई, यहाँ पे हमारी साली साहिबा आगे बैठी हुई हैं तो हम तो सब कुछ भूल ही जाते हैं। वैसे भी ये सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ की फ़ोटो चल रही हैं, भाई खिंचवा ले फ़ोटो यार, उसके बाद तो सारी ज़िंदगी। यहाँ छोटी बहू और बहन साथ में, ये तीनों बहनें हैं और ये भी बहन है लेकिन ये कज़न है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी ही गाड़ी से लाया था प्रियंका को उतारते हुए, यहाँ पे देखिए, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने आगे, हाँ मेरी फ़ोटो आगे होगी एक कोने में क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ था ये, हाँ राइट ठीक है। अब ये बाकी तो जो रस्में होती हैं स्टेज पे आने की, वो सारी की सारी रस्में आप देख ही रहे हैं। हैप्पी हैप्पी मोमेंट होता है, ऐसे ही हैप्पी हैप्पी हर चीज़ चलता रहे तो अच्छा लगता है। यहाँ पे भी मेरी फ़ोटो है, चलो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि भैया अपनी फ़ोटो तो अच्छी लगती ही है ना, सब हम बहुत ही अच्छे लग रहे थे उस दिन सच में, मैं एक क्लिक भी कर लूँ सच में यहाँ पे। और बहुत ही प्यारी छोटी बहू के साथ हम लोग नहीं खिंचवाते क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं हम लोगों के कल्चर में, आप लोगों को तो पता ही है, बट मैं एक पिक ज़रूर ले लूँ ताकि मैं थंबनेल बना सकूँ यहाँ पे, है ना। सुंदर सुंदर सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे, माँ बाबू जी आ गए हैं आशीर्वाद देने के लिए बेटी को। बाकी बेटी के जो भाग्य होते हैं वो तो खैर कोई नहीं डिसाइड कर सकता है, सब सोचते हैं अच्छा अच्छा करने के लिए। और इन्होंने तो भैया मुझे जो चूना लगाया था ना बारात में बहुत तेज लड़की है भाई लोगों, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, बहुत शार्प माइंडेड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं पढ़ने में। मैं आई विश हर गुड लक फॉर हर फ्यूचर, फॉर हर करियर। और यहाँ पे ढेरों रसगुल्ले जो है लोगों ने ख़त्म कर दिए, आप देख ही रहे होंगे, और खूब मज़े से खाना खा खा के ना एकदम मोटा हुआ जा रहा है यहाँ।
सुंदर फोटोज, जिसने भी फोटो बनाई है उसने कलर कॉम्बिनेशन आगे पीछे बहुत ही अच्छा रखा है, तो ये तो मुझे अच्छा लगा। तो रोस्ट करने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। और यहाँ पे भी छोटी बहू की फ़ोटो, ऐसी फ़ोटो मेरे पास भी है मेरे कैमरे में क्योंकि मैंने भी ली थी। यहाँ ये कह रही थी कि भैया ये बहुत अच्छी हैं, मेरी एक फ़ोटो ले दो इनके साथ। तो फाइनली फ़ोटो हो गई और उसके बाद जो है वो हिल गया हमारा एल्बम। और इस तरीके से इसे आज्ञा, ये आज्ञा लेना बोलते हैं, और आज्ञा लेना के बाद यहाँ पे जो है वो कौथी कोई चगरा, अरे वो जो कूटते हैं ना धान, उठंगर कुटाना इसे बोलते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, सारी रस्में, छोटी बहू बनी थी इसमें, बिदकौरी बनलखिन तक केना कैलखिन, भाई किच नहीं होवे चले ना इनका तो, लोग कहित रह गए। और ये सारे गहने वगैरह आए थे जो कि मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था, लेकिन बहुत ही अच्छे से सारी की सारी चीज़ें संपन्न हुई। और यहाँ पे फाइनली भाई इन्होंने भी सोचा होगा, चल भाई अब हमारी बेटे की शादी हो गई तो मैं भी थोड़ा सा करा लूँ फोटो वोटो। और ये शादी के वक्त की फ़ोटोज़ हैं सारी, पूरी रात हम शादी में साथ थे, सारी रात हम बैठे हुए थे वहाँ पे, मैंने पूरी व्लॉगिंग की थी, सब कुछ दिखाया था। छोटी बहू ने एक एक चीज़ जैसे जैसे दिखाया लोगों ने, बड़े लोगों ने उसके हिसाब से सारा का सारा किया। और इसी तरीके से ये विवाह शुभ रहा, संपन्न रहा, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आए, हम तो यही बोलते हैं भाई लोगों। और इस तरीके से ये देखिए, ये अरे मेरी तो बहुत सारी फ़ोटो हैं भाई, और मैंने चेंज कर लिया था, बहुत ठंड थी, फरवरी की शादी थी और दूरवाक्षत के लिए मैंने चेंज कर लिया था। या नैना जोगिन ये तो पहले डालना चाहिए था हालाँकि, लेकिन बाद में डाल दिया है। और ये भी पहले ही डालनी चाहिए थी फोटो, क्योंकि ये सीक्वेंस में पहले रहती हैं, और ये भी सीक्वेंस में पहले रहनी चाहिए थी क्योंकि ये फ़ोटो है किसकी, ये तो बाद की है मेरे ख्याल से, ये विदाई की है। ओके बढ़िया। और इधर खूब सारा अपना माल उड़ाते हुए नए नवेले दूल्हे, ये सारी की सारी चीज़ें। और रोना पता नहीं क्यों था, ज़्यादा दूर तो हुई नहीं थी शादी, क्यों रो रही थी प्रियंका भाई? हाँ रोना आ रहा था भाई, बेटी विदा होती है तो दूसरे लोग रोने लगते हैं दूसरों की बेटियों पे, तो अपनी बेटी विदा होगी जिसकी, तो भगवान ने अच्छा किया मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन शुभी है हमारी प्यारी, उसको हम बहुत ही अच्छे से रखेंगे। आगे व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सुंदर सी एल्बम हमारी प्रियंका की, उसको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, और ये बैक फोटो है ना अच्छा अच्छा हो। और एक बार दोबारा से आप लोगों से विदा लेते हैं द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, सभी लोग पसंद करिए इसको, लाइक करने से कुछ नहीं होता, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, यूट्यूब उसकी जो है एल्गोरिदम ऐसी होती है जिससे कि उसकी रीच आगे बढ़ती है। तो प्लीज़ हम सभी लोगों को सपोर्ट करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।